नमस्कार, मैं पार्वती गहलोत, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज के ई लेक्चर का हमारा टॉपिक है ईमेल पार्ट सेकंड, जो कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका विषय कोड CA ID CD TD BC 122 है, यूनिट नंबर 4 इंटरनेट, और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड, जिसका विषय कोड CA ID CD TD BC 201 है, क्यों यूनिट नंबर 4 ईमेल का एक टॉपिक है। इससे पहले हम ईमेल का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था ईमेल क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल की एडवांटेजेस क्या होती हैं, और ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे वेब ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा और उसके URL में हमें gmail.com लिखना पड़ेगा। जैसे हम gmail.com लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे सामने गूगल का जीमेल का लॉगिन पेज आ जाएगा। इस लॉगिन पेज में सबसे पहले लिखा हुआ ईमेल और फ़ोन, मीन्स यहाँ पे हम हमारा आईडी डाल सकते हैं या फ़ोन नंबर अगर हमने वहाँ पे एंटर किया था बनाते समय तो वो डाल सकते हैं। ये लिखने के बाद में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ईमेल आईडी लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हैं @gmail.com लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि ये जीमेल का ही लॉगिन पेज है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पासवर्ड के बारे में पूछेगा, हमें हमारे पासवर्ड को एंटर कर देना है और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन पेज हमें दिखाई देगा, हमारा ईमेल आईडी अभी ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर वही लेफ्ट के अंदर सारे के सारे ऑप्शन हमें नज़र आएंगे, और यहाँ पे हमें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तीनों टैब नज़र आएंगे। अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें इनबॉक्स हमारा ओपन होता है। इनबॉक्स का मतलब है जो भी हमारी मेल होती है वो सब हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ से हमें रिसीव हो सकती है कि जो जो हमें मेल जिसने भी हमें भेजी है वो सब हमें यहाँ शो हो जाती है। तो यहाँ पे जिसने भेजी है उसका सब्जेक्ट वगैरह, कब भेजी है, अगर कुछ अटैचमेंट हो, कोई डेट वगैरह, वो सब यहाँ पे हमें शो होता है। अब अगर हमें ये मेल ओपन करके देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम इस मेल पे क्लिक करेंगे, ये मेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब इस मेल को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास में एक प्रिंटर का साइन नज़र आता है, तो हमें इस प्रिंटर के साइन पे क्लिक कर देना है, तो हमारी आपकी जो मेल है वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे अगर हम ये मेल न्यू विंडो पे ओपन करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, अगर हम स्टार बना के इसको रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, अगर हम इस मेल को रिप्लाई करना चाहते हैं तो भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, मीन्स अगर हम उसको गूगल कम्युनिटी टीम को कुछ भेजना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 3 डॉट्स नज़र आते हैं, जैसे हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे पहला रिप्लाई का आता है कि हमें अगर इसको रिप्लाई करना है, मतलब गूगल कम्युनिटी टीम को हम कुछ रिप्लाई भेजना चाहते हैं। फॉरवर्ड का आता है, मतलब जो उन्होंने हमें मैसेज किया है हम ये मैसेज किसी और को भेजना चाहें। फिर प्रिंट का आता है, हम अगर ये मेल प्रिंट करके रखना चाहें। ये फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम गूगल कम्युनिटी टीम को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना चाहें, अगर हम ये मैसेज, नेक्स्ट आता है डिलीट करना चाहें, अगर हम ये जो आपका मैसेज आया है इसको हम ब्लॉक करना चाहें, हम रिपोर्ट स्पैम करना चाहें, हम ओरिजिनल शो करना चाहें, हमारे मैसेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, डाउनलोड मैसेज कर सकते हैं, मार्क एज अनरीड कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमें जो ऑप्शन अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको रीड करके वापस बैक कर सकते हैं। हमने हमारा मैसेज रीड कर लिया और हम बैक आ गए। अब अगर मेरे को और भी ऑप्शंस देखने हैं, अगर मेरे को यहाँ पे इनबॉक्स पे ही देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे क्लिक करेंगे। जैसे हमने हमारे उस मैसेज को क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल होता है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 डॉट्स होते हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क एज अनरीड हो जाएगा। अगर मैं इसको ना करूँ तो रीड में और अनरीड में हमें डिफरेंस नज़र आएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये मेल्स हमने रीड की हुई है और ये हमने अनरीड की हुई है। अगर हमें उसको वापस अनरीड रखना है तो हम उस मैसेज को क्लिक करके मार्क एज अनरीड पे कर देंगे, तो वो अनरीड की तरह ट्रीट होगा। ऐसे हम इसको मार्क एज इम्पॉर्टेंट भी कर सकते हैं, इसको ऐड टू टास्क भी डाल सकते हैं, इसको ऐड स्टार कर सकते हैं, इसको फिल्टर मैसेज में भी डाल सकते हैं, इसको म्यूट कर सकते हैं, इसको एज ए अटैचमेंट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
तो ऐसे हम कोई भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं। तो ये तो हुआ इनबॉक्स, इनबॉक्स के थ्रू हमारे कोई भी जो मैसेज है उनको हमें रीड, हम उसे रीड कर सकते हैं। अब अगर मुझे कोई मैसेज अपने को सेंड करना है तो सेंड करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे कंपोज मेल पे। तो जैसे हम कंपोज पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आती है जिसके अंदर वो हम मेरे पास ऑप्शंस देता है। जैसे पहला ऑप्शन होता है टू का, टू के अंदर हम उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसको हमें हमारा मेल सेंड करना है, मीन्स रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस। तो टू में हमने रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे हमें सीसी और बीसीसी दो ऑप्शन नज़र आते हैं। हम सीसी पे क्लिक करेंगे तो सीसी का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे नीचे अलग से नज़र आएगा, बीसीसी पे क्लिक करेंगे तो बीसीसी भी हमें नीचे अलग से नज़र आएगा। अगर हमारे रिसिपेंट एक से ज़्यादा होते हैं तो हम सीसी और बीसीसी के अंदर उन ईमेल एड्रेसेस को लिख सकते हैं। अब सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब हमारे पास जब एक ओरिजिनल होती है तो पीछे हम कितने भी कार्बन कॉपी लगा के उस हमारे मेल लेटर की कार्बन कॉपीज बना सकते हैं। वैसे ही हमने कहा कि अगर हमें हमारा एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा रिसिपेंट को भेजना है तो टू में तो हमने एक रिसिपेंट का नाम लिख दिया, बाकी जो भी हमारे रिसिपेंट हैं उन सबको हम सीसी या बीसीसी में लिखेंगे। सीसी में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी मतलब सबको पता होता है, हर एक रिसिपेंट को पता होता है कि किस किस को ये ईमेल आईडी मिला है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, किसी भी रिसिपेंट को ये नहीं पता होता है कि उसके अलावा और किन किन को ये मेल मिला है, किन किन को और रिसीव हुई है ये मेल। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें ये मेल सेंड करना है। और फिर नीचे आता है बॉडी मेन हमारा कि जो भी हमें मैसेज जो लिखना है वो हमें यहाँ लिखना है। सपोज़ करो हमने यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख दिया, यहाँ पे हमने एक मैसेज लिख दिया हेलो। अब यहाँ पे हम इस हेलो को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फॉर्मेटिंग पे तो हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार हमें नज़र आती है जिसके अंदर अंडू का, रीडू का, यहाँ पे जो भी आपकी फ़ोन की स्टाइल्स है वो सब होती है, फ़ोन की जो भी साइज़ है वो सब कर सकते हैं, बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन बना सकते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट उसको कलर दे सकते हैं, उसको अलाइनमेंट में डाल सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं, न्यूमेरिक जो भी आपके बुलेट और नंबर्स है वो हम सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर हमारा जो भी मैसेज है उसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कोई फाइल अटैच करनी है तो उस अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये हमें हमारे जो भी है ये ओपन करके दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ भी हमारी फ़ाइल पड़ी है, और यहाँ से हमें हमारी फ़ाइल जो भी फोल्डर है उस फाइल को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो हमारी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा एडिट लिंक। जैसे हम एडिट लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर हमारा एक लिंक बना सकते हैं और उस लिंक को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ABC, यहाँ हमने वेब एड्रेस में लिख दिया google.com, तो यहाँ पे जो ABC है वो एज अ लिंक ट्रीट होगा और जैसे हम ABC पे क्लिक करेंगे वो google.com पे पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लिंक बना सकते हैं और उस लिंक को हम एडिट कर सकते हैं, वेब एड्रेस से भी अटैच कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस से भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में, हम अगर कुछ इमोजी भी डालना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। अगर हम हमारे गूगल ड्राइव से कोई फाइल इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से हमारे जो भी ड्राइव है उस ड्राइव में जाके हमें हमारी फ़ाइल सेलेक्ट कर देनी है और इंसर्ट कर देनी है। तो ड्राइव से भी हम हमारी फ़ाइल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई पिक हमें डालनी है तो पिक्चर डालने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो में जाके हमें यहाँ पे फ़ोटो हमारे डिवाइस से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, या अपलोड्स में जाके वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करके फिर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी फ़ोटो भी यहाँ पे इंसर्ट की जा सकती है। इसके अलावा एक और होता है ऑप्शन जो होता है कॉन्फिडेंशियल मोड। अगर हमें हमारे जो भी मेल है वो कॉन्फिडेंशियल मोड पे रखनी है, मीन्स हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद में वो एक्सपायर हो जाए, वो आपकी जो भी मेल है वो एक्सपायर हो जाए, और हम चाहते हैं कि उसमें कोई पासवर्ड भी हम उसको भी दें, तो हम हमारे एक्सपायर डेट भी दे सकते हैं, मतलब एक्सपायर का टाइम भी दे सकते हैं और पासवर्ड भी दे सकते हैं। ये करके अब सेव करेंगे तो हमारी मेल जो है वो कॉन्फिडेंशियल मेल की तरह ट्रीट करेगी। इन सारे ऑप्शंस के बाद में जब हम ये सब करके सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारी मेल सेंड हो जाती है। अगर हमें देखना है कि हमारी मेल सेंड हुई है या नहीं
तो हम यहाँ पे लेफ्ट में सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। अब अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें तो वापस हम ओपन करके देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और हमारी मेल हमें दिखाई दे देगी। हम रिप्लाई करना चाहें, फॉरवर्ड करना चाहें, वो सब भी हम कर सकते हैं। वापस हम जाएंगे इनबॉक्स पे, ऐसे अगर रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लाई हो जाएगी, अगर हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम यही मेल किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे इनबॉक्स पे। अब इनबॉक्स पे जाके हमने ये देखा कि हम कैसे कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव के लिए हमें इनबॉक्स पे देखना पड़ेगा और सेंड के लिए हमें कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमारा काम कंप्लीट हो गया है तो हमें ईमेल आईडी जो भी हमारी है इससे हमें साइन आउट होना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें साइन आउट पे क्लिक करना है। जैसे हम साइन आउट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने वापस लॉगिन पेज आ जाएगा जो कि हमने क्रिएट करने के टाइम हमने देखा था। अब हमारी मेल आईडी क्रिएट हो गई है, अब एक बार हम इसमें लॉगिन करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने हमारी जोधपुरी 2020 डाला और हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए हमारा ईमेल आईडी फिर से जो भी है वो ओपन हो गया है। अब वापस साइन आउट करना है, वापस इस पे जाएंगे और यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे हम हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो है हमारे ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब अगर हम मोबाइल पे हमारा जो भी मेल है उसको सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र के अंदर gmail.com लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे gmail.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका जीमेल का मतलब गूगल का साइन इन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमारा ईमेल आईडी लिख देना है। यहाँ पे जैसे हम ईमेल आईडी लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, फिर हमें आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे वो हाउ इट वर्क्स वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे, उन सबको हम रीड करके यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने मोबाइल पे हमारा जो ईमेल आईडी है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स हमें दिखाई देता है, तो हमें अगर वापस हमारे इनबॉक्स से किसी मेल को हमें रीड करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं हमारे मेल को, यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं उनको भी देख सकते हैं, जैसे मूव टू करना है, चेंज लेबल करना है, उसे मार्क बनाना एज इम्पॉर्टेंट मार्क करना है, म्यूट करना है, प्रिंट करना है, रिपोर्ट करना, स्पैम करना है, तो ये सब हम ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें हमारे रिप्लाई करना है इसी मेल का तो हम रिप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा हमारा मेल आईडी 2 में जिसने हमें भेजा है उसका लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा रिप्लाई हम बना के और सेंड पे क्लिक करके हम सेंड कर सकते हैं। फिर हम वापस आते हैं इनबॉक्स पे। अब यहाँ पे जैसे वहाँ हमारे हमारे लेफ्ट पैनल पे बहुत सारे ऑप्शंस थे तो यहाँ पे भी हम हमारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसके लिए हमें यह जो तीन लाइंस बनी हुई हैं उन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम तीन लाइन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, मीन्स हमारे इनबॉक्स के ना प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, जो भी सेंड, आउटबॉक्स, जो भी सेटिंग्स वगैरह जो ऑप्शंस वहाँ दिखाई देती थी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जाएंगे वापस इनबॉक्स पे। अब हमें बेसिकली जैसे कैसे हमारा जो भी मेल है वो मोबाइल पे कैसे सेंड करना है वो देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे पेन का साइन बना हुआ आता है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे कंपोज लिखा आता है, फॉर्म में हमारी मेल आईडी जो है, हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आता है और यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे 2 में जिसको हमें सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा जैसे वहाँ CC BCC थे तो यहाँ पे हम ड्रॉप अपना जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने CC और BCC आ जाएगा। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में भी हम एक से ज़्यादा रिसिपेंट के ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, BCC में भी हम लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस अगेन वही, कार्बन कॉपी के अंदर सारे रिसिपेंट को पता होगा ये मेल किस किस को मिला है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके अलावा और किस किस को ये मेल मिला है। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, हमारा मेल लिख देंगे। ये लिखने के बाद में हम अटैच भी कर सकते हैं फाइल। जैसे हमने अटैच फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम अटैच फाइल करके कोई भी फाइल भी अटैच कर सकते हैं
और ड्राइव से भी कोई फाइल हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन तीन डॉट्स पे क्लिक करें तो हमारे पास और ऑप्शन आते हैं, जैसे ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम, इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं, और कुछ हम हेल्प चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। तो सपोज करो हमने ये डेटा फिल किया फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आएगा। टू में हमें उसका ईमेल एड्रेस डालना है जिसको हमें ये मेल सेंड करना है। ऐसे हमें एक से ज़्यादा रिसिपेंट है तो हम CC BCC डाल देंगे, लेकिन अभी एट द मोमेंट मैं सिर्फ एक का ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ जिसको मुझे डेटा सेंड करना है, और यहाँ हम मैसेज फिल कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है और यहाँ हमने मैसेज टाइप कर दिया। ये करने के बाद में इस एरो पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारा लिखा हुआ आता है नीचे सेंडिंग मैसेज, मतलब हमारा मैसेज सेंड हो रहा है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम ये जो तीन लाइन्स हैं इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेंड लिखा हुआ आता है, इस सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने किसको ये मेल सेंड किया है। हम इसको वापस रीओपन करके देख सकते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फाइल अटैच हमने करके भेजी भी होती, अभी तो नहीं भेजी हुई है, अगर भेजी भी होती तो यहाँ पे उसका भी अटैचमेंट का बना हुआ आता और नीचे डाउनलोड का एक साइन बना हुआ आता, तो हम उसको डाउनलोड करके भी देख सकते थे। तो ऐसे आज के वीडियो में हमने देखा लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या मोबाइल से कैसे हम मेल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। धन्यवाद।